बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीएटी एमसीक्यूज का एक सिलसिला मैंने शुरू किया है। इसके दो पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। उन पार्ट्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये अब हमारे पास पार्ट 3 है, चलते हैं पार्ट 3 के एमसीक्यूज की जानिब। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब। एमसीक्यूज में हमारे पास यहां पर आप देख लें, फिजिकल एजुकेशन के हमारे पास एमसीक्यूज हैं। दो सेट मैं अपलोड कर चुका हूं, हमारे पास सेट 3 है। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास रेंजेस्वामी कप इज अवार्डेड इन, रेंजेस्वामी कप जो थी वो अवार्ड हुई थी कौन से गेम में, हॉकी में। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ वी गेट इंजर्ड इन गेम्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, व्हेन रूल ऑफ गेम्स आर नॉट फॉलो, हम कैसे जख्मी होते हैं गेम में, जब हम गेम के रूल फॉलो ना करें तो हम जख्मी हो जाएंगे। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द वेट ऑफ अ बास्केटबॉल इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। वेट ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का वजन कितना है, 567 से लेकर 650 ग्राम तक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ कंटेन ऑलमोस्ट ऑल इंग्रीडियंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, मिल्क, मिल्क में हमारे पास तमाम फूड कंटेंट है जो कि हमारे पास एक ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि बैलेंस डाइट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, मिल्क। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अगेंस्ट विच कंट्री मैराडोना स्कोर्ड द गोल ऑफ द सेंचुरी, इंग्लैंड के खिलाफ मैराडोना ने अपनी सेंचुरी का गोल किया था, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज हाउ मेनी मीटर, 18 × 9 मीटर, यानी 18 मीटर इसकी लंबाई है और 9 मीटर इस ग्राउंड की क्या है, चौड़ाई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज द बेस्ट अर्लीएस्ट कंसेप्ट, तो ये हमारे पास द रिलीजियस कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, द रिलीजियस कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द हाइट ऑफ ह्यूमन बींग इज मेजर्ड बाय, हाइट ऑफ ह्यूमन बींग जो है उसको किससे पैमाइश किया है, उसको वेंगिंग स्केल से, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ठीक है, वेंगिंग स्केल से। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स प्ले ग्राउंड हैज बोनस लाइन, यानी हमारे पास ऐसा गेम जिसका हमारे पास प्ले ग्राउंड में एक बोनस लाइन है, उसको हम कौन सा गेम कहते हैं, उसको हम कबड्डी कहते हैं, जब जब खिलाड़ी उस लाइन को क्रॉस कर देता है तो उसको पॉइंट मिलता है, तो ऐसे ऐसे गेम को हम क्या कहते हैं, कबड्डी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, बोनस लाइन वाला ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन ओल्डर एज द कॉमन प्रॉब्लम इन आई इज कैटारेक्ट, हमारे पास प्रॉब्लम होती है जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो आई में आंखों में ये प्रॉब्लम आती है, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है, कैटारेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ऑपरेटर्स टू मेजर फैट परसेंटेज इन बॉडी इज, ऐसा ऑपरेटर जिससे फैट चर्बी का परसेंटेज बॉडी में नापा जाता है उसको क्या कहते हैं, स्किन फोल्ड मीटर उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, स्किन फोल्ड मीटर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग इज सच, नो राइटिंग, नो डिमॉन्स्ट्रेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द काज ऑफ पोस्टरल डिफेक्ट इज, तो इसका हमारे पास है मेल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जॉगिंग एट वन स्पॉट, जॉगिंग जो है हमें क्या देता है एट वन स्पॉट, ये है टाइटन्स मसल, मसल को टाइट करता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लॉन्ग बोन्स वर्क इन ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्ग बोन्स जो है जो ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं, क्या किसके लिए काम करते हैं,
टू वर्क एज लीवर, लीवर की तरह इसका काम करते हैं। लंग बोन्स जो है वो एज अ लीवर हमारे बॉडी में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, टू वर्क एज लीवर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रेक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ मसल, दिस कंट्रेक्शन इज सेट आइसोमेट्रिक। इस कंट्रेक्शन को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ मसल पेयर्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज 250 मसल है हमारे पास। हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे पास कितने मसल पेयर्स हैं? फाउंड इन ह्यूमन बॉडी 250। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इन 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज स्टेट टू बी अबाउट। ये पिछले भी एक एमसीक्यू में हमने किया था ये क्वेश्चन। इसमें है हमारे पास 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं 1 मिलीलीटर ऑफ अ ब्लड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस। डेविस कप जो है वो किस एसोसिएटेड है? ये लॉन टेनिस में से एसोसिएटेड है। ये एमसीक्यू जो है ये मेरे ख्याल में 2021 का जो ईटा का टेस्ट हुआ था पीईटी में, ये एमसीक्यू उसमें भी आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन एडल्ट ऑफ एवरेज बॉडी वेट पर डे इज, तो ये है 2500 कैलोरीज। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे पास जरूरी है जिस्म के लिए, तो हमारा हेल्थ जो होगा, सेहत हमारी क्या होगी? अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इन ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ह्यूमन बॉडी फर्टाइल डेवलप्स एगिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, द टेक्निक टू स्विम फास्टेस्ट इज फ्री स्टाइल। किस कौन सी टेक्निक कहलाता है हमारे पास टू स्विम फास्टेस्ट? फ्री स्टाइल। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, फ्री स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इन टेस्ट क्रिकेट हाउ मेनी बाउंसर्स कैन बी बॉल्ड इन वन ओवर। हमारे पास एक टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास एक खिलाड़ी, एक बॉलर कितने बाउंसर कर सकता है एक ओवर में? तो 2 बाउंसर अलाउड है एक ओवर में। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, 2। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, आफ्टर इमल्शन द डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेस। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, लाइपेस। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, अ परफेक्ट फूड नोन एज न्यूट्रिशन इज वन दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिशन एलिमेंट ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, ओलंपिया सिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये ग्रीस में है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, फॉर रिमेनिंग फिट एंड हेल्दी व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? रूटीन, रूटीन में एक्सरसाइज करना ये बड़ा अहमियत रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है, रूटीन। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, सिट शॉट इज रिलेटेड टू, सिट शॉट है हमारे पास किससे रिलेटेड है? ये बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, सिट शॉट इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, द वेट ऑफ जवेलिन फॉर वुमेन, ये है हमारे पास 600 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, स्ट्रेटेजी ऑफ फास्ट ब्रेक इज रिलेटेड विद द गेम, तो ये हमारे पास फास्ट ब्रेक स्ट्रेटेजी जो है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, हेल्थ इज primarily the responsibility of the parents. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, parents. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, appendix is helpful in digestive system of human being.
For A option is helpful in digestion of food, B helpful in secreting the digestive juice, or C है maintain the temperature during digestion process. तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, maintain the temperature during digestion process. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 है, द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज गुड परफॉर्मर. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, गुड परफॉर्मर. अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है. क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, व्हाई गुड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. सही है, व्हाई गुड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. पोस्टरल डिफॉर्मेटिव नहीं, इंस्टेंट रिपेलाइज नहीं, डेवलपमेंट के लिए. ऑप्शन नंबर बी ठीक है, डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, एरोबिक पावर कैन बी एनहेंस्ड बाय सर्कल ट्रेनिंग. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड इन हार्ट. ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है, हार्ट. क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, गोनीमीटर मैयर, गोनीमीटर मैयर फ्लेक्सीबिलिटी. ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, फ्लेक्सीबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, द बेसिकल मेटाबॉलिक रेट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अ पर्सन अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी, वेट ऑफ द बॉडी कैन ऑफ दीज. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज. अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन है. 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिकल एक्सरसाइज डन. क्वेश्चन नंबर 41 है, फिजिकल एक्सरसाइज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइज. ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास, रोवर कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ. तो रोवर कप जो है उसका ताल्लुक हमारे पास फुटबॉल गेम से है. ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, फुटबॉल. क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास, व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द आयरन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर डाइट, होमोग्लोबिन. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, होमोग्लोबिन. क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, द ड्यूरेशन ऑफ रसल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट इज. तो ये कितना था, 45 सेकंड. ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, 45 सेकंड. क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, एड्रेनालाइन विच इज एन एक्सट्रेटरी हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, पेनक्रियास. अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है. क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, द गिवन ऑफ द गिवन विच प्रोटीन फिलमेंट इज 50-55% इन द मसल. तो ये हमारे पास मायोसिन, मायोसिन. ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, मायोसिन. क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज, इसको कहते हैं हम क्वालिटी. ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है, क्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, इन कंपेरिजन टू द ग्रीक द रोमन वर मोर. जब हम ग्रीक और रोमन का कंपेरिजन करते हैं तो रोमन हमारे पास है, क्या है हमारे पास, चार ऑप्शन यहां पर है, यूटिलिटेरियन है हमारे पास, डेमोक्रेटिक है, और अथॉरिटेरियन है, नॉन ऑफ दिस. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास यूटिलिटेरियन. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, इन दिस टेक्निकल टर्म्स मसल पुल इज नोन एज स्ट्रेन. ऑप्शन नंबर सी ठीक है. अच्छा दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे पास इस वीडियो का वो है 50 नंबर, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन आर द मोमेंट ऑफ कार्पल मेटा कार्पल ज्वाइंट्स. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है. उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी. दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें. शुक्रिया.